डर होता है ना, उसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो श्रीमत अर्थात ओपिनियन या ऑर्डर, क्या कहेंगे? ओपिनियन है या ऑर्डर है श्रीमत? श्रीमत बोला, ओपिनियन नहीं है तो ऑर्डर नहीं है। हाँ, श्रीमत मतलब प्यार है, तो ऑर्डर भी है वैसे देखा जाए कि बाबा की टीचिंग्स है। तो श्रीमत बाबा की मत है, और क्योंकि भगवान की मत है, वैसे तो ओपिनियन है अगर उसको सही से, लेकिन भगवान की मत है, जैसे जिसका किसका सजेशन है वो एक्चुअली रियल होता है, तो ये ऑर्डर है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 25 दो, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण, निश्चय में ही विजय है। नरसिंह नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है। अच्छा प्रश्न है, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? जिस तरह, अच्छा, और दीदी जैसा आपने कहा निश्चय होना चाहिए कि मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय आत्मा, अच्छा, और ये गुण ती पांच बाबा ने, सॉरी 6 बाबा ने इसमें बताए हैं कौन सी विशेषता है। इसमें जो ईश्वरीय गुण है वो दिखाई देगा कि ये ईश्वर की डायरेक्ट रचना है, उनमें साधारणता नहीं होगी फिर। सब राइट है, लेकिन थोड़ा, एक तो बाबा के शब्द नहीं आए और बाकी जो एग्जैक्ट आए नहीं है, तो मुरली से फाइंड आउट करना, ठीक है? वो एक खुश भी नहीं, रहेंगे, खुश रहेंगे, उल्टा सुल्टा आप नहीं मुरली से बोलेंगे। फाइंड आउट करना। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है, ये कोई साधु संत नहीं है, बाप दादा और बच्चे हैं, इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा, फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, वह है वर्ल्ड का फादर। यूं सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही है, एक निराकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप, परंतु ये किसी को पता भी नहीं, किसी को भी नहीं पता है। चित्र आदि भी बनाते हैं लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पाठ बजाते हैं, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है, कोई भी नहीं जानते। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, ये कोई भी नहीं, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। लेक्चर सुनने बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना, कुछ तो लॉजिक, पूरा लॉजिक तो फिर, लेकिन सुन के आ जाते हैं, इसलिए प्रश्न का जवाब देते नहीं है, और अगर दे नहीं पाते तो कभी कभी स्थिति उनकी खराब भी हो जाती है, बोलेंगे ना तो स्थिति खराब हो जाती है, मतलब फिर बोलते तुम काट करते हो हमारी, ये भी बताते हैं। तो तुम सब कुछ जानते हो, अब ऊंचते ऊंच बाप है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है बाबा आकर तुमको, तुच्छ बुद्धि है या थे, अब बाबा आकर क्या करते हैं, श्रेष्ठ हाँ, बुद्धि। स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो, पूछते उच बाप है, अब नई रचना रच रहे हैं, नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना, नए घर में कोशिश करते ना कि नई चीजें हो, तो नई नई दुनिया में कौन सी रचना चाहिए? नई दुनिया मतलब पॉजिटिव दुनिया, तो पॉजिटिव दुनिया में रचना भी कौन सी चाहिए,
कंप्लीट पॉजिटिव पावरफुल, क्योंकि वो पावरफुल दुनिया है, तो नई रचना चाहिए। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया राज्य चाहिए, भारत ही है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मीनारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है, तो सूर्यवंशी प्राय लोप हो जाता है, फिर कहाँ जाता है चंद्रवंशी राज्य। हाँ वो जानते हैं कि लक्ष्मीनारायण हो करके गए हैं, परंतु कहलाएगा चंद्रवंशी का राज्य, उसमें फिर बताएंगे, क्योंकि अब हिस्ट्री शुरू हो गई ना त्रेता युग से, तो कह के वह जानते हैं कि लक्ष्मीनारायण होकर के गए हैं, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। देखो लक्ष्मीनारायण का राज्य के बाद वो डेजिग्नेशन देना, राम सीता डेजिग्नेशन है ना, उसका राज्य चलता है। लक्ष्मीनारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे वाला, राम सीता दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, 12 ना, राम सीता का राज्य है ना, तो ऐसा नहीं कि जो राजा आएगा उसका नाम ही वो रहेगा। लक्ष्मीनारायण में क्या होगा, 8 तक हो जाएगा ना ऐसे, फिर वो कहलाएगा राम सीता का राज्य। अब बाबा के आज के अकॉर्डिंग तो वो हाँ वह जानते हैं कि लक्ष्मीनारायण हो करके गए हैं, तो आ जाएगी, हो सकता है कुछ इतिहास की किताबें शुरू हो जाए, चल शुरू हो जाए। वो तो दीदी सेकंड जन्म से ही शुरू हो जाएंगी ना। हाँ मतलब त्रेता तक ये एक फीलिंग होगी कि पहले लक्ष्मीनारायण होकर गए हैं, त्रेता एंड के बाद जब द्वापर युग शुरू हो जाएगा तब भूल जाएंगे क्योंकि वो कि लक्ष्मीनारायण और राम सीता का राज्य कभी था, तो राम सीता के राज्य में क्लियर था कि लक्ष्मीनारायण का राज्य हो रहा था, मतलब तब तक हमारी मेमोरी चल रही थी, इतिहास एक्यूरेट था। उसके बाद क्योंकि फिर वो जो हुआ था ना विनाश, वो माइनर जो अर्थक्वेक हुआ था, तो उसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया, ये वाला लॉस, रियल हकीकत का लॉस हो गया, तो जायज है। जैसे अभी जो लॉस होगा, अभी जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, उसमें हम पूरा ही भूल जाएंगे ना, कि कुछ भी नहीं भूल जाएंगे। बाबा तो ठीक है 2500 साल वाला भी भूल जाएंगे, ये तो 100 साल का है, वो भी तो भूल जाएंगे पूरा, परंतु ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, रचेता एक बाप है, शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूँ, ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। ये थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य, कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। ये किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है, कौन सा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रच रहा हूं, बाप से फिर मुझे वर्षा मिलता है, ये अगर जान जाए तो है बहुत सहज, जो आज के क्विज के मुरली में है, नहीं बताएंगे। गीत है तकदीर जगा कर आई, अब गीत चालू हुआ। ये गीतकार कहाँ है आजकल, है कि नहीं है पता ही नहीं चलता, अटेंडेंस को ले रहे, अच्छा हाँ एब्सेंट होता है गीतकार। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में, किसकी पाठशाला है, श्रीमद भगवत की पाठशाला, फिर उनका नाम गीता रख दिया है, श्रीमद श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की है, वो अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर की ईश्वर बाप की मत मिलती है, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए, प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी, बाबा भी कहते तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना, श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे,
गारंटी है। पूरा श्रीमद पढ़ चले, कौन कौन से जो 6 सिम्टम्स बताए आज, 6 विशेषता बताई, तो तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको नरसिंह नारायण नारी श्री लक्ष्मी बनाया था, फिर बन जाएंगे। बाबा का जब फर्स्ट टाइम दादी को दिखा वतन, पहले तो वतन पता ही नहीं था ना, और 38 पहला वतन जो दिखा 38 में ही था, तो वो जब वो दिखा अव्यक्त ब्रह्मा और बाप बताया कि आपका ही जैसा, तो बोला कि फिर बचाना ना, कौन है उसको पूछना, अब कौन है। तो अगले दिन बोला कि उसी समय बैठो, शाम के समय देखो अगर वापस दिखता है क्या। तो उसी समय बैठी दादी, फिर गई तो बोला बाबा ने कहला कर भेजा कि पूछना तुम कौन हो। फिर बोला ना दादी ने कि मैं अव्यक्त ब्रह्मा हूं, संपूर्ण स्वरूप मतलब परफेक्ट स्वरूप इस ब्रह्मा का। तो हम हमारा परफेक्ट स्वरूप जो हमारा फाइनल हाईएस्ट परफेक्शन पूरे कल्प का है, वो श्रेष्ठ वहां वतन में है। तो श्रीमत पर चलने से हाँ हाँ तो कितनी बार दिख गया, वो पूरा लाइट का स्वरूप है ना, दिव्य लाइट, जिसकी जितनी पावरफुल पॉजिटिव ओरा पॉजिटिविटी होती है, नॉर्मल है वो तो, लॉजिक है, उसकी ओरा उतनी शक्तिशाली होती है। और वो पॉजिटिव वो शक्ति होती है संकल्पों का, संकल्प कर्म दोनों मिल जाए तो वो ओरा फास्ट लाइट वाली होती है संकल्प। तो गारंटी है श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, ऐसी ओरा हो जाएगी। कल्प पहले भी तुमको नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी बनाया था, ऐसा कोई मनुष्य कह ना सके, किसको कहने आएगा भी नहीं। ये बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमको राजयुग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सत्युग अल्लाह की दुनिया, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे, इस समय से उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टुंगा लगाती है ना, माया भी चोच लगाती है, यहाँ भी माया। क्या कहा बीच में आपने, भगवती भगवान, क्या वो भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे ना, सत्युग अल्लाह की दुनिया, गॉड्स गॉडेसेस बोलते हैं ना, गॉड्स लॉर्ड्स तो यहाँ बोलते हैं, पर वैसे गॉड गॉडेसेस, भगवान भगवती, देवता नारायण नहीं बोला, भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी ये बताया। तो इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं, यहाँ भी माया टुंगा लगा देती है, दुखी होते रहते, चोच लगा देती है। अभी बाप कहते तुमको इन दुखों से विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं, ये अक्षर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर का मालिक बनाता हूं, तुम काम चिता पर बैठने से जल कर काले बन जाते हो, मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूं जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में ये अक्षर है, सगर राजा के बच्चे जल मरे थे, 60,000 बच्चे जल मरे थे, बातें तो बहुत बना दी है। अभी बाप कहते ये सब बातें बुद्धि से निकालो, ये सब बुद्धि से निकालना है। तो ये माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखनी चाहिए, ये सबसे और ज्यादा खराब फिल्म है, यूजलेस स्टोरीज। पहले तो माइथोलॉजी मतलब डिस्टॉर्ट कर दिया, और ऊपर से फिर उसको पूरा वेस्टर्नाइज्ड मिक्सचर कर दिया उसमें। तो मतलब मनुष्य का जो भगवान स्पिरिचुअलिटी डिवाइन के प्रति इम्प्रेशन है वो और ही खराब कर दिया। तो खराब के लिए खराब इम्प्रेशन है वो तो ठीक है, लेकिन अच्छे के लिए भी खराब कर दिया, और ही
इसलिए बिल्कुल भी ये चीजें करनी है पढ़ लो, पर ये जो सीरियल्स देखने वाली नेचर है ना कि अच्छी सीरियल्स आ रही है अच्छी सीरियल, यही तो वो ये वाला टारगेट ग्रुप हो जाता है उनका मीडिया का। बाकी तो यंग ग्रुप तो सबको चलो वो तो है ही मीडिया के फैंस है, लेकिन जो एज ओल्ड है उन लोग फिर ऐसी सीरियल्स देखेंगे नहीं, तो वो मीडिया का बचा हुआ जो ऑडियंस है वो टारगेट हो गए, उनका सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस है। इसलिए बाबा कहते हैं और जो देखते हैं ना वो रजिस्टर बहुत जल्दी होता है, तो है देखना और सुनना। तो बाबा इसलिए कहते हैं अब तुम, हाँ तुम काम चिता पर बैठने से काले बन गए बन जाते हो, ये सब बातें बुद्धि से निकालो। अब मेरी सुनो, संशय बुद्धि विनश, अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय माला का दाना बनेंगे। माला का राज भी समझाया है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है और अच्छी सेवा की निशानियां आज के क्विज के मुरली में। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले, सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे, नंबर वार 108, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। ऐसे नहीं सत्यु त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वृद्धि होती प्रजा की स्टार्ट, 108 तो स्टार्ट होता है ना राजाओं से, और फिर बाद में उससे वृद्धि तो होगी ना, जितने और राजा होते जाएंगे उनके बच्चे प्रिंस प्रिंसेस बनते जाएंगे। तो क्योंकि 9,00,000 के लिए 108 है, विश्व महाराजा ने एक है, बाकी 9,00,000 के लिए तो 108 है। अब 2,00,00,000 हो जाएंगे एंड तक, तो थोड़ी वो 108 ही रहेंगे, तो आगे बढ़ता जाएगा। तो प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी, है ना। अब आप कहते कुछ भी नहीं समझो, समझ गए सभी, फिलेंसी पेन समझिए। तो कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, ये मेरे लाडले बच्चे मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता है, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है ये तुम जानते हो। यह है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठा है, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी। कितने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अच्छा अच्छा कह रहे हैं, प्रजा तो बनेगी ना, हमारी महिमा कर रहे हैं। लेकिन शुरू की प्रजा और लास्ट की प्रजा में क्या अंतर है, ये एक वीडियो अगर बड़ा मतलब एक्यूरेट वीडियो मैथमेटिक्स और उस निशानियां दिखाएंगे कभी, बड़ा अच्छा बताया उस भाई ने। तो शुरू की प्रजा में, शुरू की जो भी प्रजा होगी, फर्स्ट एक सिम्टम ये बाबा की 88 की मुरली है या 90 की, शुरू की प्रजा पूरी बाबा के साथ कनेक्टेड होगी, जो भी 9,00,000 होंगे ना वो सारे बाबा परमात्मा का परिचय, परमात्मा पर निश्चय उनको होगा भी संगम योग, वो है शुरू की प्रजा। उसके बाद वाली जो प्रजा होगी ना वो नारायण की भगत, मतलब जैसे दादियों की महिमा ज्यादा करेगी, उस लेवल पर आएगी, लेकिन बाप से कनेक्शन उनका नहीं होगा। वो वीडियो मैंने देखा है जो आप जिसको रेफर कर रहे हैं, सारा उन्होंने एकदम बहुत अच्छा बताया। तो बाबा कहते हैं अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारी नया झाड़ शुरू हो जाएगा। बाकी राजा बनना ये जरा मुश्किल है, प्रजा तो लाखों के अंदाज में बन गई, इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। तो थोड़ा भी फॉलो करेगी वो प्रजा, जो केवल महिमा करेगी, तुम लोग बड़ा अच्छा काम करते हो,
वो सारे हमें द्वापर युग वाले भगत मिलेंगे, क्योंकि खुद कुछ करता नहीं, जो खुद महिमा करके खुद कुछ करता भी है, कोर्स कर लिया, कुछ कुछ किया, कोर्स तक भी किया, वो भी प्रजा बनेगी। इसमें साधारण गरीब उठते हैं, बाबा कहते हैं गरीब निवास में हूँ, दान भी गरीब को किया जाता है, अहिल्याय कुपजाए पापात्माए जो है, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे, ये भी होगा। ब्राह्मण बनने भी गर देवता कोई बन न सके, जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में आए तो फिर देवता वर्ण में जा सके, ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता जा बन न सके, समझ में आया इसका मतलब? तो अगर जो देवता वर्ण में गए वो ब्राह्मण बने होंगे, वो ब्राह्मण बनने ही पड़ेंगे इधर, तो मात पिता काते तो सब पे आ गया, सत्युग में जाएंगे वो, उनको आना ही पड़ेगा संगम युग, जो देवता वर्ण वाले। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण बने भी अगर देवता नहीं बने, देवता बने हैं तो इसका मतलब ब्राह्मण बनेंगे। पूछते उच्च भगवान फिर ईश्वरीय संप्रदाय, तुमको इतना नशा रहना चाहिए? हम ईश्वर के पौत्रे पौत्रिया प्रजापिता के बच्चे हैं, अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए ईश्वर के बच्चे। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहलाने वाले भी होते हैं, खास कुमारिया पुरुष रोते नहीं है, तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं, वो माया के मुरीद देखने में आते। एक बार बाबा ने बहनों को टीचर्स को बोला, रोती हो छोटी बहने होगी, नहीं नहीं मतलब टीचर बहने, बोला अच्छा मन से रोती हो, नहीं, अच्छा तकिए में मुंह डाल के तो नहीं रोती हो? ये बहनों का एक टिपिकल रोना भी होता है। तो वो माया के मुरीद देखने में आते हैं, तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। माया के मुरीद देखने में आते, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़ी दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। बाबा को पता है ये ईश्वर के बच्चे कहलाने वाले है या नहीं है, लेकिन बाहर से थोड़ी दिखाए। बाबा कहते अपनी संभाल करो, सदगुरु का निंदक निंदा कराने वाला कभी ठौर नहीं पाएगा। एक होता है फिजिकली हमने लिटरली करी दी, और एक है अपने चलन से करी, तो भी ठौर नहीं पाएगा। अगर मेरी चलन से कोई ये कहते अच्छा वहां जाते और ऐसे करते हो, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। वह समझ लेवे हम राजगति कभी नहीं पाएंगे, तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, जब तुम यहां हर्षित रहेंगे तब सत्युग में पहुंचेंगे ना, तब डैश रहेंगे। यहां हर्षित रहेंगे संगमयु का एक एक सेकंड, तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। हर्षित हंसना नहीं, हर्षित रहना, खुशी है सेकंड में फुल स्टॉप करने वाला ही हर्षित रह सकता नहीं, इस दो सेकंड का जो फुल स्टॉप होता है ना उसमें नाराजगी आ जाती है, दूसरे सेकंड से नाराजगी शुरू हो जाती है। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा स्माइल तो करो, हर्षित मुख और मुख दूसरा, हंसना नहीं स्माइल करना है, मुस्कुराना है। हाँ मुस्कुराया कोई, देखो कई है मुस्कुराए नहीं अभी तक। ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं मुस्कुराया नहीं, तो देखो बाबा क्या कहते, अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रतन निकालते रहे, ठीक है। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूं। मुख से रतन निकालो,
मुख से कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलो जिसको बाबा ने बहुत अच्छा वर्ड कहा कि लॉ हाथ में नहीं उठाओ। कभी कभी हम किसी को समझाते समझाते, विशेषकर ब्राह्मण परिवार में, मतलब कोई कुछ किसी की कुछ मिस्टेक है भी सही, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं बोलो। ये बहुत बड़ा, क्योंकि निमित्त जो कहते हैं ना, वो फिर भी लोगों को, फिर भी सबको अच्छा लग, मतलब एग्री कर लेते हैं, पर आपस में कभी कुछ कोई कहेंगे कि ऐसा है ऐसा है, क्योंकि जो भी निमित्त है उसको बहुत कुछ पता होता है, और इसलिए बाबा ने, बाबा निमित्त बनाता भी है। तो इसलिए आपस में ये वर्ड, चाहे उसकी गलती दिख भी रही है, पहले चिंतन किया तभी तो बोला, तो ये ब्राह्मणों में जो भी सेवा करते हैं और फोन भी करते हैं दूसरों को, लेकिन ये वाला संस्कार कभी नहीं, तो बहुत डिससर्विस होती है, मतलब हर्ट कर देते हैं दूसरे को, उसको बल्कि डिमोटिवेट कर देते हैं। अगर बाबा ने हमको निमित्त, जो भी सेवा के लिए निमित्त बनाया, तो एनकरेजिंग वर्ड्स बोल, जो उसकी विशेषता है। अगर कुछ किसी की खामी दिख भी रही है, आप कंसर्न निमित्त को बता दो, बस फ्री, उससे बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, आप क्यों नहीं आते हो, आपको ऐसा है, आप वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो, ये आपस में हमको नहीं बताना, क्योंकि कईयों का रिपोर्ट आता है तो ये थोड़ा फील हो जाता है फिर, और फिर उनको वापस हैंडल करना, हम निमित्त बन जाते हैं उसकी चार क्लासेस मिस कराने, या कुछ भी कारण से वो किसी ने कहा एक साल वो आया नहीं सेंटर पे, यही आपस में किसी ने कुछ कह दिया, अब चाहे हम कितना भी कहे फिर उस समय कि भाई हमने तो कुछ, मैंने माफी भी मांग ली कि भाई कोई स्टूडेंट ने बोल दिया, बट क्या करे, इसलिए ये ध्यान रहे, मुख से रतन निकालो, ये ध्यान रखो। बाबा कहते हैं जो भी एनकरेजिंग अच्छी विशेषता दिखती वो बताओ, बस फुल स्टॉप। हाँ, आपको बताना भी है बता दो। तो बाबा कहते हैं मुझ मुख से रतन निकलते रहे, मुझ आत्मा को परम पिता परमात्मा का धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से फल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं, देखो आज बाबा ने, इनकी चलन बदनामी करने वाली है। फिर वो बोलते हैं कि देखो ये रेगुलर जाने वाले ऐसे होते हैं, मतलब अगर वो कहते ना कि हम तो रोज, तो फिर ऐसे करते। तो बाबा कहते हैं, और बहुत सारे रीजन होते हैं, जो भी कुछ सपोज नहीं भी आ रहा है सेंटर पे या कुछ, तो पता है क्या रीजन है उन आत्माओं का, हमें तो पता ही होता है ना सबका। हाँ, बाकी जो लॉ है वो स्टैंडर्ड वो बता देते, बाकी अगर इसके बावजूद भी है, हमको तो सब लोग बाबा के बच्चे बताते ही है ना सारा, इसलिए। तो बाबा देखो क्या कह रहे, तो फल बाबा तो मुख से दान करता हूं, जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूं। तो जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से फल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता है ये ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उलने भी मिलते हैं, ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों, आबरू इज्जत तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना, रोते हैं झगड़ते हैं। अब देखो बाबा कितना भी कुछ कह देता है, बड़ा हम सब रियलाइज करते, मैं वही मंथन चल रहा था, बाबा के महावाक्य कितने डायरेक्ट भी होते हैं, पर भगवान के महावाक्य है ना, तो बहुत हेल्प, वो कभी भी किसी को फील नहीं होता है, रियलाइज कराता है, फीलिंग में लाना या रियलाइजेशन कराना, ये दोनों में फर्क है। जब हमारे एटीट्यूड में उसकी गलती छिप समा जाती है ना, हम उसको फीलिंग में लाते हैं, और जब एटीट्यूड में शुभ भावना होती है ना, तो वो गलती रियलाइज होती है। और मकसद क्या है, फीलिंग में लाना या रियलाइज, हर्ट करना या रियलाइज करा। तो बाबा कहते हैं
आबरू और इज्जत तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं, देवता रोते हैं, रोते तो भी और बात, ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं, तो क्या गति होगी। ऐसा कर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गवाओ, बाप की इज्जत गवाओ, उल्टा सुल्टा खाते हैं, ये भी बोल दिया बाबा ने। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं ना, इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मते, एक न मिले दूसरे से, तो बाप समझाते हैं, या तुम बैठे हो अपनी ऊंचते ऊंच तकदीर बनाने, ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना न सके। सत्युगी सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वो तो भगवान ही रचते हैं, उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसी हुई, ये कोई नहीं जानते। बाबा समझाते हैं, कल्प के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं, तुमको राज तिलक दे रहा हूं, मैं स्वर्ग का रचेता, तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा, कहते हैं ना। कौन सा है राज तिलक वाला किस्सा, बोलो सावित्री बेन। हाँ किसका बताओ, कांता बेन। बोलते हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे राज तिलक, यह बात यहाँ की है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करी रघुबीर। हाँ वास्तव में यह राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात ही नहीं है। अंदर बुद्धि से बाप को वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो, इनमें अथाह दुख है, यह कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो, ये दुनिया तो खत्म होनी है ना, विदेशों में तो बम्स आदि गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है, कीचड़ पट्टी खलास होनी है, देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते हैं। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी देखो, ये सब बॉम्ब जरूरी भी है ना सफाई के लिए, लक्ष्मी साफ दुनिया में आएगी तो, अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी। कितना एक्यूरेट है ना, अगर देखा जाए ड्रामा के एक एक, एक इवेंट को देखे तो कितना राइट सीक्वेंस है। अगर सृष्टि में विनाश हो ही नहीं तो फिर देवताएं कैसे आ सकते हैं। तो देवताएं तो कीचड़ पट्टी में नहीं रहते, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारी, अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, क्या क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, सब खंड आदि सब खत्म हो जाएंगे। क्या है, फाइव कॉन्टिनेंट्स, एक कॉन्टिनेंट हो जाएगा इंडिया अखंड, सब खंड समाप्त हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, फिर हम उतरेंगे ऊपर से, कितना वो मोमेंट्स, कितना वेलकमिंग होता है। फर्स्ट सबसे, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट इनॉग्रेशन का होता है, नहीं होता है एकदम वो आ रहे होते हैं वही सबसे, तो वो जो पलटन में आना उसका मजा ही कुछ और है। हाँ वही होती है बस, वो आ रहे उस समय भाई इनॉग्रेशन, और कोई गेस्ट को भी बुलाते ना इनॉग्रेशन में, भाई स्पीच है उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आप सभी कौन हो, इनॉग्रेशन वाले कितने हैं, इतिहास वाले तो है ही है, इनॉग्रेशन वाले क्या हुआ, गुलाब भाई ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा अच्छा हाँ, यहाँ भी वहां के इनॉग्रेशन वाले,
ठीक है, हाँ वो सिंपल है। हाँ यहाँ के भी इनॉग्रेशन में अभी से इनविटेशन है सबको। तो बाबा कहते फिर देवता आएंगे, वो आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, थे ना सेवन रिवर्स बॉम्बे। अब देखो क्या बन गया है, तो फिर ऐसे होगा, पहले था नहीं अभी बन गया, फिर वापस कैसे होगा, जैसे वैसे पहले की तरह हो जाए। सुना बॉम्बे कहाँ है, बॉम्बे सुमन बहन दिखी नहीं, अच्छा नीलिमा बहन, अच्छा बॉम्बे क्या है, कहाँ गई सुमन बहन, आज एब्सेंट, अभी थी अभी अभी उनका कुछ हुआ होगा, बॉम्बे बोलते ही चले गए सब। किरण बहन है मेरी, तो देखो बाबा क्या कहते, इसलिए दिल्ली में आ गए, बॉम्बे बोलते ही आ गई वापस। हाँ बाबा कहते हैं देखो बॉम्बे पहले था नहीं और अब देखो क्या हो गया, फिर रहेगा नहीं और खंड नहीं रहेंगे सत्युग में, खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी नदियों पर होते हैं, पानी भी मीठा मीठा। तो कितना बड़ा क्लाइमेटिक चेंज होगा, इसका पूरा पूरा इतिहास लॉजिक साइंस बताया हुआ है, बाबा के बच्चों ने रिसर्च किया कि खारे पानी से मीठे पानी कैसे होगा, अब वो भी एक अलग वीडियो है। और खंड नहीं रहेंगे, हाँ तो मतलब वो समुद्र भी खारा थोड़ी रहेगा बॉम्बे में बाद में, नहीं नहीं दीदी यहाँ बाबा ने बोला कि जो शहर बसेंगे वो मीठी नदियों के पास बसेंगे, हाँ समुद्र का पानी तो खारा ही होगा, वो मीठा नहीं, समुद्र का भी मीठा मुझे लगता है, नहीं वो कहीं पे भी रेफर नहीं है। देखो तो बाबा कहते ऐसे तो सागर से ही तो पानी आएगा, वो तो अभी भी सागर से ही आ रहा है, पर जब उड़ के जब जाता है करता है तो जो भी सागर में जाएगा, नदियों में तो पानी मीठा ही है अभी भी, बादलों से तो आता है फिर वो बाफ बन के। चलो समुद्र का पानी पहले तो मीठा ही था, उसको श्राप मिला तब खारा हुआ, ये नई स्टोरी, वो तो कहानी की बात कर रहे हैं ये, नहीं समुद्र का पानी कहीं नहीं सुना कि मीठा। देखो सत्युग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी नदियों पर होते हैं, फिर धीरे धीरे, हाँ बॉम्बे तो था ही नहीं, वो तो वैसा था ही नहीं, बॉम्बे तो सेवन रिवर्स मिला के कुछ ऐसा है, नहीं सेवन वो आइलैंड्स मिला के बना, तो मीठी नदियों पर होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते, मद्रास आदि होगा। जितने ये सी बेल्ट पर है कोई नहीं बचने वाला, हाँ मद्रास नहीं होगा, ये तो कलकत्ता भी नहीं होगा, दीदी कलकत्ता वृंदावन गोकुल आदि नदी, देखो नॉर्थ वाले कितने भाग्यशाली है। दीदी कलकत्ता तो नदी में है, मीठे पानी पर है, उसके समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है, तो कलकत्ता वाला होगा, कलकत्ता होएगा क्योंकि पता नहीं मद्रास के लिए तो आज बाबा ने कहा है, मुझे बॉम्बे और मद्रास दो के लिए बाबा कहते हैं दीदी, कोस्ट का तो फेमस है, नहीं होगा वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं, वैकुंठ के महल वहां दिखाते हैं, तो मेन अड्डा कहाँ होगा, मेन अड्डा दिल्ली, जीके टू में होगा जहां बैठे, हाँ जीके टू जितना तो एक महल होगा, एक पूरा राजा का महल, हाँ दिल्ली से फुल, हाँ वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं, सिर्फ तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नरसिंह नारायण बनने, सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं को नारायण बोलो, देवताओं की तो राजधानी है ना, हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा ही जाता है राजयोग, ये कोई प्रजा योग नहीं है, हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे, बच्चों से रोज पूछना चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की, देखो हमारा होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, किसको दुख तो नहीं दिया, डिस सर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए,
पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। थोड़ी सी अभी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए, झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। श्री बाबा से कुछ छिप न सके ऐसा मत समझना, कौन देखता है, शिव बाबा तो झट जान जाएंगे। मुफ्त अपनी सत्यानाश करते, सच बताना चाहिए तभी सत्युग में नाच करते रहेंगे। सच तो बिठो नच, खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में ईश्वर की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती, समझा क्या करें। तो क्या बोलो उनको, सिर्फ अभी के साथ ही है, अगर हमको हमेशा सात जन्म साथ रहना, अब से सात जन्म है तो सात दिन का कोर्स करो, सात जन्म साथ रहना है तो सात दिन का कोर्स करो। हाँ पहले स्टार्ट तो करो कोर्स कर। नहीं तो ये जन्म ही रहेगा साथ, बाकी जन्म नहीं रहे, ठीक है। इस जन्म का एडवांस कोर्स करो। हाँ तो बाबा कहते हैं एक के सौभाग्य में स्वर की बादशाही हो, सुन रहे सभी, एक एक वाले ही है। हाँ फिर ऐसे बोलो, फिर एक एक स्टेप आगे करो। हाँ बोल देना, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते हैं, क्या कि हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। तुम बच्चे जगदम्बा माई की माँ की बायोग्राफी को जानते हो, और कोई 84 जन्म मानेंगे ही नहीं, उनको भुजाए बहुत दे दिए तो मनुष्य समझेंगे यह तो देवता है, जन्म मरण रहित है। अरे ये चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बाहें तो होती नहीं। विष्णु को चार भुजा दिखाते हैं प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए, यहाँ तो दो भुजा ही होती है। मनुष्य ने फिर नारायण को चार भुजा, लक्ष्मी को दो भुजाएं दी है, कहां फिर लक्ष्मी को चार भुजाएं दी है। नारायण को सावरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया, कारण का कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुम अभी जानते हो, अभी देखो ये भी कितने अच्छे पॉइंट है, सर्वव्यापी 84 लाख स्पीशीज, फिर काला क्यों गोरा क्यों नहीं, ये सब क्वेश्चंस है। तो तुम अभी जानते हो देवता ही जो गोरे थे द्वापर में कैसे, बोलो बोलो कल्पना बन, काले कैसे बने देवता, गोरे गोरे थे, एक मिनट देवता कल्पना बोलो बोलो, राइट आ रहा है, बोलो बोलो द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठे तब काले बने, इसलिए वो काला बता दिया। श्याम सुंदर तो आत्मा काली बन जाती है, फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते। इससे देखो जो मेल फिगर है ना ज्यादातर उन्हीं को बताया, क्योंकि वो मेन है ना, नारायण काले बने तो फिर बाकी सब बने, मेन का बताया है, इसलिए वो जो भी देवी देव देवता देवताओं को विशेषकर ये देवता है, जैसे विष्णु जी को बताते हैं, शंकर जी का बताते हैं, श्री कृष्ण श्री राम और कोई नहीं है, नहीं 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 नहीं, पूरा ब्लू फुल ब्लू ब्लू दिखाते हैं, सावरा वो तो अलग है पर ब्लू, इन्हीं चार को बताते हैं और किसी को, इंद्र को नहीं और जो भी है बाकियों को नहीं। फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते, अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग भवानी बाप की, सदा हर्षित रहेंगे, हर्षित रहना, सेकंड मुख से रत्न निकलेंगे, सेकंड राइट थर्ड
उल्टा सीधा नहीं बोलना, उल्टा सुल्टा, राइट, उल्टा सुल्टा नहीं खाना, उल्टा सुल्टा खाना भी नहीं और खाना नहीं है, उल्टा सुल्टा के साथ साथ और तीन चार चीज दुख नहीं देते किसी के बारे में, गलत रोना रोना एक मिनट पहले ऑफलाइन ऑफलाइन बोले, थर्ड फोर्थ वो रॉयल चाल चलन, रॉयल चाल चलन, रोना लड़ना झगड़ना, अच्छा ऑनलाइन बताओ फोर्थ, लो हाथ में नहीं उठाएंगे, नहीं वो भी मैंने बोला है इसमें नहीं था, दुख दीदी दुख नहीं देना, हाँ दुख नहीं देना, उनकी चलन कभी भी बदनामी कराने वाली नहीं होगी, हाँ इज्जत गवाएंगे नहीं, बाप की इज्जत, सच बोलो, माया के मरीज नहीं, सच बोलना है, सच बोलना है, यही सब है। फर्स्ट सदा हर्षित रहने की, दूसरा ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे, चलन बड़ी रॉयल चाहिए, थर्ड फोर्थ बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो, रोना लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा खाना ये सब ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है, ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं कोई अकर्तव्य करते हैं तो बाप की इज्जत गवाते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है, सदा ईश्वरी नशे में हर्षित मुख रहना है। अच्छा धारणा के लिए सार है, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है, इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है, इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना, दूसरा है सर्विस में कभी थकना नहीं है, विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है, विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है, शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, वरदान है एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव, सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी करो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से पलते चलते उड़ते रहेंगे, वह एक का पाठ है, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस एकता और एकांत प्रिय, एक का पाठ है, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस एकता और एकांत प्रिय, हो गया एक का पाठ। ओके ऐसी वरदानी आत्मा को नहीं जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते उसको उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता, ऐसी वरदानी आत्माओं को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं, ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो,
किनारा सहारा याद रहेगा। अव्यक्त इशारे परमात्म प्रत्यक्षता के लिए अब प्रतिज्ञा करो कि वेस्ट खत्म करेंगे, बेस्ट बनेंगे। जब कोई परीक्षा आए तो प्रतिज्ञा याद करो, तो जब सभी ऐसे बेस्ट बन जाएंगे तभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के पहले आप मूर्तियां पूरी तैयार होनी चाहिए। वेस्ट जीरो, जीरो वेस्ट और बेस्ट बनेंगे। अच्छा जी,